नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। कृषि कर्मियों की हड़ताल वापस। समान कार्य समान वेतन सहित अपनी 10 सूत्री मांगों के समर्थन में पिछले सप्ताह से आत्मा के बैनर तले प्रदेश भर के कृषि कर्मी आज से अपनी हड़ताल वापस ले लिए। यह निर्णय रांची में सचिव स्तरीय स्तर पर यूनियन के साथ हुई वार्ता में उनकी मांगों पर सकारात्मक दिशा में विचार करने का भरोसा दिया। वार्ता के बाद आज से ही राज्य भर के कृषि कर्मी अपने अपने काम पर लौट गए हैं। इस आशय की जानकारी आत्मा संगठन अध्यक्ष के मोतीलाल रजक ने दी। हम लोग एक सूत्री मांग थी समायोजन पद योग्यता के अनुसार हमारा समायोजन, पर ये लंबी प्रक्रिया है। हमने माननीय कृषि मंत्री और बिरमो विधायक साथ में सचिव महोदय को समक्ष वार्ता हुई रांची में। वार्ता के उपरांत सचिव महोदय ने निर्देश दिया कि एक वरीय पदाधिकारी को धरना स्थल पर भेजकर उनकी सहमति और उनकी मांगों को ऑन द स्पॉट जो समस्या का समाधान हो सकता है उस विषय में उन्होंने पहल की, आश्वासन दी, धरना स्थल पर पहुंची, हम लोगों से बातें की और उनसे जो बन पाया तत्काल उन्होंने सभी परियोजना निदेशक को पत्र लिखा और उस पत्र को साझा भी किया और जो प्रक्रियाधीन है उसके बारे में बोली कि ये लंबी प्रक्रिया है, इस पर थोड़ी अवधि लगेगी। इस प्रकार हम लोगों ने हड़ताल को स्थगित किया और समूचे झारखंड के आत्मा कर्मी आज अपने विभिन्न जिलों में योगदान देने का काम करेंगे। अभी हड़ताल के बाद ये लोग ज्वाइन कर रहे हैं। निश्चित तौर पर अभी जो कार्य हम लोग का थोड़ा धीमा गति से चल रहा था, इन लोगों के ज्वाइन करने से अभी बीज वितरण और केसेस इत्यादि में संख्या हमारा पर्याप्त मात्रा में बढ़ेगा। तो इन लोग का जो मांग था उस पर कुछ विचार उचार नहीं? इन लोगों के मांग पर क्योंकि जिला स्तर से कोई भी विचार नहीं करना था, इनका राज्य स्तरीय मांग था, इसलिए लोग राज्य स्तर पर डिमांड रखे हैं और उनके मांग को माना गया है। वी टाइम न्यूज़ के लिए बोकारो से अनिल कुमार की रिपोर्ट।